फ्रेंड्स, भारत में जितनी सांस्कृतिक विविधता है उतनी ही खाद्य विविधता, फूड डाइवर्सिटी भी है। हमारी ये फूड डाइवर्सिटी दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए एक डिविडेंड है। आज जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, वो भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री के पास भारत की खाद्य परंपराओं से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे यहां सदियों से एक बात यानी एक जीवन का हिस्सा है, हर परिवार की सोच का हिस्सा है। हमारे यहां कहा जाता है, यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात हम जैसा खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। यानी फूड न केवल हमारी फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। भारत का सस्टेनेबल फूड कल्चर हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। हमारे पूर्वजों ने फूड हैबिट्स को आयुर्वेद से जोड़ा। आयुर्वेद में कहा जाता है, ऋतुभुक् अर्थात सीजन के हिसाब से खान पान, मित भूक अर्थात बैलेंस डाइट, और हित भूक अर्थात हेल्दी फूड्स। ये भारत की वैज्ञानिक समझ का अहम हिस्सा है। सदियों से भारत में होने वाले खाद्यान्न और खासकर मसालों के व्यापार के जरिए भारत के इस ज्ञान का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। आज जब हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब ग्लोबल हेल्थ को लेकर इतने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जाते हैं, तो ये जरूरी हो गया है कि हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल और हेल्दी फूड हैबिट के इस एंशियंट नॉलेज को भी जाने, समझे और उसे अडॉप्ट करे। मैं आपको उदाहरण देता हूं मिलेट्स का। इस साल दुनिया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रही है। हम सब जानते हैं कि मिलेट्स हमारी सुपर फूड बकेट का हिस्सा है। भारत में हमने इसे श्री अन्न की पहचान दी है। सदियों से अधिकांश सिविलाइजेशन में मिलेट्स यानी श्री अन्न को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन ये बीते कुछ दशकों में भारत समेत अनेक देशों से मिलेट्स फूड हैबिट से बाहर होते चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान ग्लोबल हेल्थ को भी हुआ, सस्टेनेबल फार्मिंग को भी हुआ और सस्टेनेबल इकोनॉमी को भी हुआ। भारत की पहल पर आज दुनिया में एक बार फिर मिलेट्स को लेकर जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है, जैसे इंटरनेशनल योग दिवस ने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, वैसे ही अब मिलेट्स भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे। अभी जब भारत ने G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को होस्ट किया और इसी स्थान पे हुआ था, तो उन्हें भी मिलेट से बनी डिशेस खूब पसंद आई। आज भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेट से बने प्रोसेस्ड फूड आइटम मार्केट में लॉन्च कर रही है। इस दिशा में कैसे ज्यादा से ज्यादा अवसर बने, कैसे श्री अन्न की फूड मार्केट में हिस्सेदारी बढ़े, आप सब इस पर चर्चा करें, इसका एक कलेक्टिव रोडमैप तैयार करें, जिसका लाभ इंडस्ट्री और किसान दोनों को हो।